मंडे संस्कृत शिक्षिका से वाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको द्वादशा पाठ पराधिकार चर्चा का अर्थ पढ़ाया था। आज मैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप सभी अपनी बुक ओपन करें और पेज नंबर 67 पढ़ें। पेज नंबर 67, ठीक है? तो देखिए, एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें प्रश्नोत्तर दिए गए हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ठीक है, तो बच्चों जो क्वेश्चन है वो आप बुक से लिखें, मैं नंबर डालूंगी का खा गा खा करके और उसके आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है प्रश्नोत्तर। ठीक है, इसमें ऑल क्लास टीचर्स ऑफ क्लास 11 प्लीज गो टू बायो लैब। अरे दुष्ट मते
starting akrod, तो आपका आंसर होगा निद्रा भंग गोपाल
से पीटा। धोबी ने गधे को डंडे से पीटा। तो रजिता गर्दभं लघुबेन अताड़य अताड़य। ठीक है, अब आगे है, दूसरों के अधिकार पर अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। दूसरों के अधिकार पर पराधिकारे दूसरों के अधिकार पर अपना अधिकार स्वाधिकार ना कुर्यात। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट हुई है। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 पर। संधि कीजिए, संधि कीजिए। तो फर्स्ट है दाना प्लस अपि, इसमें संधि होगी दानो अपि। बच्चों ये अवग्रह चिन्ह है, इसको आ बोलते हैं दानो अपि। दूसरे में इति धनुक्त्वा संधि होगी इतिक्त्वा। थर्ड नंबर है सार्वेयम अकथ्य, तो म उपयोगम, तो ममोपयोगम गुण संधि हो जाएगी ममोपयोगम। फोर्थ है मंद प्लस आदरः, तो संधि होगी मंदादरः, दीर्घ संधि। क्लियर। फिफ्थ पे आइए तत्थनमया, ये संधि होगी तन्मया। ठीक है, ये अनुनासिक संधि मोनुस्वार। तो इस तरह से बच्चों ये फोर्थ की ये का एक्सरसाइज थी। ठीक है, तो जितना अभी मैंने आपको पढ़ाया वो अभी आप एक बार रिवाइज करें बहुत ध्यान से। ठीक है, फिर आगे मैं और वर्क इसका कराती हूँ। शब्दार्थ याद करें, अर्थ पढ़ें। ठीक है, इसके आगे जो एक्सरसाइज नंबर 4 का था पार्ट है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।